नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि कल की मैंने वीडियो में बताया था कि अखिलेश शर्मा द्वारा जो ट्वीट किया गया था प्रसार भारती को कि वो डीडी नेशनल चैनल पर एक बार फिर से महाभारत और रामायण प्रोग्राम को एक बार फिर से प्रसारण किया जाए। दोस्तों, इस बात को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जी का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो रामायण है उसका दिन में दो बार इसका प्रसारण आप सभी के डीडी नेशनल चैनल पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी ये भी ऑफिशियल न्यूज प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से ट्वीट करके रिप्लाई दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ पर कहा है कि जनता की मांग की घोषणा करते हुए हमें खुशी है कि शनिवार 18 मार्च डीडी नेशनल चैनल में रामायण का पुनः प्रसारण शुरू किया जा रहा है। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आएगा और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे से 10 बजे तक के बीच दो एपिसोड दिन में आएंगे। 24 घंटे में यानी कि दो एपिसोड आपको डीडी नेशनल चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा। सुबह जो पहला एपिसोड होगा वह सुबह आपको देखने को मिलेगा जो कि 9 बजे से 10 बजे के बीच सुबह, और जो दूसरा एपिसोड दिखाया जाएगा यानी कि रीयूज कंटेंट रहेगा, वो नया पुनः प्रसारण रहेगा, वह रात की 9 बजे से 10 बजे के बीच आप सभी के लिए डीडी फीड्स के इसका प्रसारण किया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया खबर हमारे डीडी फीड्स व्यूअर्स के लिए। तो लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा लेना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।